हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉली में करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। ठीक है, क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या नेचर होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वो डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर दूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? रिक्वायर्ड एक्शंस, जो भी हमें एक्शंस लेने हैं, जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग है, उसके लिए हमने फर्दर जो भी प्लानिंग करी है, ठीक है, जो भी डिसाइड किया है वो हमारे क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। ठीक है, जैसे सपोज आपको अपनी एक्शंस पता है, हमें क्या एक्शन लेने हैं, आपको अपनी डिसीजन मेकिंग आपने प्रॉपरली कर ली। अब इन सारी चीजों को करना कैसे है, वो आपका क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, आपने एक प्लानिंग कर ली, आपने उसकी डिसीजन मेकिंग कर ली, आपने सारी एक्टिविटीज को डिफाइन कर लिया कि डे टू डे ये एक्टिविटीज हमें फॉलो करनी है। अब इन एक्टिविटीज को कैसे एक्टिव करना है, ठीक है, कैसे इनको ऑपरेट करना है, तो ये सारी चीजें हम किस में प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, अब हमने उन एक्टिविटीज के विहार पे एक स्ट्रेटेजी बना ली और उस स्ट्रेटेजी को हमने क्या करा, बेटर तरीके से फॉर्मुलेट करके इम्प्लीमेंट करा, तो वो हमारा क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। ठीक है, यानी कि डिफाइन एक्टिविटीज एंड डिसीजन मेकिंग यू आर अगेन एक्टिवली परफॉर्म, आप परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी, तो वो आपका क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे लास्ट है, इट असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब यहाँ पे दो लिखे हुए हैं पॉइंट्स। पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज। स्ट्रेटेजी आपकी कॉम्पिटेंसी को और ज्यादा इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे सपोज आपने जो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, अगर आप उनको स्ट्रेटेजी के विहार पे अचीव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक्सपर्ट हो रहे हो, जो आपका मैनेजमेंट है स्पेशलाइज हो रहा है टू मेक अ फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी। तो पहली चीज है क्या, आपकी कॉम्पिटेंसीज बढ़ रही है हर एरिया में। जिन जिन एरिया में आपने स्ट्रेटेजी बनाई और वो सक्सेसफुल हुई, वहां आप उस चीज के लिए एक्सपर्ट हो गए। फ्यूचर में आप जो भी करोगे तो सारी चीजें आपको प्रॉपरली अवेयर हैं आप। ठीक है, क्या एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से हमें बेस्ट प्लानिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज, जो हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसीज है उनको असिस्ट करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। और जो भी हमारा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, उसको हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसमें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। जैसे कोई भी मैं स्पेशलाइज हूँ किसी भी चीज के लिए, तो वहां पे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। अब मैं उस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को किस तरीके से सस्टेन करके रख सकता हूँ, वो मेरी स्ट्रेटेजी के काम ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मुझे एक साथ बहुत सारे लोगों को डील करना है, तो जब तक मैं स्ट्रेटेजी नहीं बना के काम करूंगा, तब तक मैं उन सारी चीजों को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, टू एंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ फर्म। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द फर्म तभी पॉसिबल है जब आपने स्ट्रेटेजी के यहाँ पे काम किया। ठीक है, स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करती है टू अचीव द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो आपके क्या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, क्या आपके क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, और आपकी सर्वाइवल, क्योंकि स्ट्रेटेजी पे आप काम करते हो तो आपका रिस्क कम हो जाता है और आपके पास चांसेस होते हैं कि आप टाइमली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, इट अटेम्प्ट टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। जी हाँ, फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। आपको पता है कि अगर आप स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, तो आप आने वाले सारे चैलेंजेस को फेस कर सकते हो और सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी जो भी उनके गोल्स हैं, उनको टाइमली ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट अटेम्प्ट टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, तो वो वहाँ पे उसका रिस्क कम हो जाता है और उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है कि हाँ अपने जो ऑब्जेक्टिव्स को टाइम पे अचीव कर सकते हैं और आने वाले किसी भी चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, कहीं पे भी हम चैलेंजेस को देख सकते हैं और उन चैलेंजेस को हम स्ट्रेटेजी के विहार पे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके पूरा कर सकते हैं। इट असिस्ट द फर्म इन बिकमिंग प्रोएक्टिव एंड रेदर देन रिएक्टिव। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है फर्म के लिए कि जो भी रिसोर्सेज है उनको हम ऑप्टिमम
एफिशिएंसी के साथ यूज़ करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें ताकि हमारी कॉस्ट कम हो, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जब आपने स्ट्रेटजी बना के काम करना शुरू किया। ठीक है, स्ट्रेटजी के व्याप पे आप उन सभी एक्शंस को फॉर्मुलेट करते हो, उन सभी एक्शंस को प्रोसीड करते हो जो जहाँ जिस भी स्टेजेस में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट है, इट गाइड द कंपनी टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में हमें किस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन में हमें फायदा हो रहा है, वो सब चीज़ें हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी गाइड करती है कंपनी को कि किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, कहाँ आपके लिए सक्सेस है और किस तरीके से आप वहाँ पे उस सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से पता चलती हैं कि क्या हमारे गोल्स हैं, क्या हमारा विज़न है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल्स हैं, कैसे उनको अचीव करना है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इट अटेम्प्ट टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। फ्यूचर में जैसे सपोज मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ तो मेरी ये हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करे, टाइम पे अपने गोल्स को अचीव करे और बहुत एफिशिएंसी के साथ। हमारा इंटरपर्सनल रिलेशन भी हेल्दी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन आपको प्रॉपरली सस्टेन और हेल्दी करके रखने हैं ताकि कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन अराइज ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप तभी फॉलो कर सकते हो जब आपने ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रेटेजी के व्याप पे रन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी हमने बना ली तो हमें अलग अलग रिसोर्स को एलोकेट कर देते हैं ताकि हम टाइम पे सारे रिसोर्स को यूज़ कर पाएं और उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर पाएं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इट इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ फर्म। स्ट्रेटेजी हमें बताती है कि हाँ आप लॉन्ग टर्म तक ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटर को कम्पीट करते हुए अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मैं ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, मैंने एक स्ट्रेटेजी बना रखी, एक ऐसी फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी जो क्या है, डिफरेंट टू अदर है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं एक फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी मार्केट के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे एडवांटेज गेन हो रहा है, सारी चीज़ें मेरे टाइम पे हो पा रही हैं और कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या है, बेनिफिट हो रहा है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो सर्वाइवल है या फिर जो जैसे इंश्योरिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस पॉलिसी में। ठीक है, तो ये थे कुछ करेक्टरिस्टिक्स किसके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी के, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा इसी से रिलेटेड होता है, व्हाट इज स्ट्रेटेजी, व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट अ स्ट्रेटेजी। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिस्कस करनी होंगी। इस वीडियो लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ अलग टॉपिक्स। अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कन्वे कर दीजिए ताकि मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड करूँ। ठीक है, ओके, इट इज़ ऑल अबाउट करेक्टरिस्टिक्स। थैंक्स।